ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि आसमा ये सब कर रही है? क्यों? शायद आसमा के फोन से कुछ पता चल जाए। क्या कर रहे हो तुम? पति हूं तो पति की तरह रहो, मेरे काम में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है आसमा, तुम मुझसे ऐसे बात करोगी तो मैं चुप बैठ जाऊंगा, तुम्हारी फिक्र करनी छोड़ दूंगा? नहीं आसमा, और मैं जानता हूं कुछ तो है जो तुम चुपचाप सह रही हो। आसमा बताओ ना, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? बताओ ना आसमा। हद हो गई अरमान, थकते नहीं हो तुम? एक ही बात रटे जा रहे हो। तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। मेरा बस एक ही काम है आसमा, तुम्हारा ख्याल रखना। जितना गुस्सा करना है कर, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। तुम्हारे गुस्से का जवाब प्यार से दूंगा और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हीं से सीखा है। अरमान के बिजनेस से जुड़ा उसका हर एक डॉक्यूमेंट जला दे, उसके लोन के पेपर्स, उसकी फाइल्स, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके ऑर्डर्स की फाइल्स, सब कुछ सब जला दे, कर दे अरमान का बिजनेस तबाह, और फिर वो तुझसे नफरत करेगा। ये मत कर मुझसे प्लीज, ये नहीं कर पा। देख आसमा, या तो तू अरमान के सपनों को जला दे, या फिर मेरे अंदर की जो आग है तेरी बेटी की पाने की हर उम्मीद को जला के रख देगी। अब करना क्या है ये तेरे हाथों में है।